बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेट सोलर। आज ए ग्रेट सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके PECHS सोसाइटी में, जहां पे हम सोलिस का IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं। सोलिस इसे क्लेम ये करता है कि ये IP66 इन्वर्टर है। ये हमारे क्लाइंट का पैनल बॉक्स है जो कि घर के एंट्रेंस के साथ ही है, और इनका पोर्शन है, पोर्शन के ऊपर पैनल्स आए हुए हैं। इस DB बॉक्स की हम आपको सेटिंग दिखा दें कि हमने इसमें डॉमजन के ब्रेकर टेम्पररी ऐड किए हैं, लेकिन ये टोटल थ्रू आउट चिंट के ब्रेकर्स जो हैं वो इस क्लाइंट के हमारे इन क्लाइंट के पास जा रहे हैं। तो वही सिग्नेचर स्टाइल है हमारा वायरिंग करने का, जो आप हमारे आज तक की वीडियोस में देखते हुए आए हैं। MCCB DC साइड पर हमने ब्रेकर ऐड किया है, डायनस की इसमें हमने बैटरी ऐड की है। सोलिस का ये इन्वर्टर है IP66, जो कि अब मुसलसल हमारे प्रोजेक्ट्स में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रही है। हमने यहाँ पे 12 पैनल्स प्लान किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेस की वजह से फिर हमें 9 पैनल्स यहाँ पे कैरी ऑन करने पड़े। तो ये हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद की वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमने किस तरह से फिनिशिंग वाला लुक दिया हुआ है, और पेयर के अंदर सोलिस का इन्वर्टर और डायनस की बैटरी भी खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइट्रोक्स के साथ भी लग रहे हैं। और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में हम ये बैटरी जो है आपकी सोलेक्स के इन्वर्टर्स के साथ भी अटैच करेंगे। ये हमारा DB बॉक्स है जो कि इस वक्त प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। सोलर के ब्रेकर्स जो हैं वो हमारे टॉमजन के हैं, जो कि अभी हमने इसमें रिप्लेस करके चिंट के कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो हमने इसको अपग्रेड कर दिया है सिस्टम को। ये इसका फाइनल टैगिंग वाला व्यू है जो कि आप देख रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर यही सिग्नेचर स्टाइल जो है वो उसको कंपाइल करें, ताकि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एक अच्छे तरीके से लुक वाइज भी हमें दिखाई दें। तो इनके हमने मेन तीनों सिलेक्टर्स जो हैं वो चेंज कर दिए, और यहाँ पे फेस सिलेक्टर्स डाल दिए, क्योंकि इनका लोड बहुत है। घर के अंदर 5 एयर कंडीशनर्स हैं, इनके जो पहले सिलेक्टर्स थे वो 32 के थे, अब हमने सारे जो हैं वो 63 एम्पेयर के डाल के रीऑर्गेनाइज कर दिया है सारा सिस्टम। तो आपको पैनल्स दिखाते हैं। पैनल्स जो हैं वो जिनको एन टाइप 585 वाट बायोफेशियल के पैनल्स हमने इसमें यूज़ किए हैं, और L3 के स्ट्रक्चर के साथ ये पैनल्स जो हैं वो इनके जो पीछे रूम आप देख रहे हैं इसके छत के ऊपर हमने प्लेस किए हैं। तो इवेंचुअली 12 पैनल्स लगाना था, लेकिन जगह जो थी पैनल्स रखने के बाद अंदाज़ा ही हुआ कि बिल्कुल जगह नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ 9 पैनल्स आएँ। और 9 पैनल्स की फिर हमने वायरिंग इस तरह से की है कि हमने 4 पैनल्स की एक सीरीज़ उतारी है और 5 पैनल की एक सीरीज़ उतारी है। ये भी हमारे क्लाइंट की चॉइस पे हमने इस तरह से किया है, वरना हम उन्हें रेकमेंड यही कर रहे थे कि 600 वोल्ट की रेंज है तो हम इसके दो सिंगल स्ट्रिंग उतार देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल क्लोजिंग व्यू है, हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट हमने जब लेट नाइट वाइंड अप किया है तो ये किस तरह का लुक दे रहा था। तो ये हमारा फाइनल फिनिशिंग वाला लुक है, और आपको पता है कि हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में हम इस पर खुसूसी तौर पे ख्याल रखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दिखने में स्टेट ऑफ द आर्ट लगे, ताकि क्योंकि आपने डेली बेसिस पे उसको वॉच करना होता है, देखना होता है, और ये आपका गुजरगाह का रास्ता है, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें लग रही होती हैं तो हम उसकी ब्यूटिफिकेशन जो है उसको इंश्योर लाजमी करते हैं। तो इस सिस्टम की परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे। सोलिस का जो इन्वर्टर है ये वेरी फर्स्ट टाइम मेरे प्रोजेक्ट मतलब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, सोलिस के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है क्योंकि इसमें LCD नहीं आती, और इसको वाईफाई से कनेक्टिविटी करने के बाद जो है वो इसमें लॉगर जो है डेटा लॉगर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, उसके कुछ फर्मवेयर अपडेट करने पड़ते हैं, जिसके बाद ये प्रॉपर चल रहा है। तो अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप इस सिस्टम को ज़रूर लें, लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में लगा रहे हैं तो फिर आप इसको ना लें तो बेहतर है। बताने का मकसद ये कि हम फोर्सफुली कोई चीज़ आपको नहीं कह रहे होते कि आपने ये लगानी है। बहरहाल वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, कि ये हमारे ब्रेकर्स हैं। एक दफ़ा फिर हम आपको क्लोजिंग व्यू दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको सिलेक्टर्स दिखाएंगे। तो इनके जो सिलेक्टर्स हैं इसकी मैनेजमेंट हमने इस तरह से की है कि इनका 3-फेज मीटर है, तीनों फेजेस जो हैं वो हमने इन्वर्टर की चार्जिंग के ऊपर डाल दिए हैं, और एक सिलेक्टर के ऊपर हैवी लोड डाल दिया, एक सिलेक्टर के ऊपर नॉर्मल लोड डाल दिया, और न्यूट्रल कॉमन किया गया। इस वजह से इसमें फेस सिलेक्टर्स जो हैं वो हमने ऐड करके इसको कंपाइल किया है पूरे प्रोजेक्ट को। अब बारी आती है रिज़ल्ट की, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी ऐसा आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और मैं खुद सरप्राइज था इस रिज़ल्ट को देखे। ये हमारी डक पट्टी है जो कि इनके कमरे से होती हुई फिर आगे जो इनका वेस्ट ओपन की बालकनी होती है वहाँ से छत तक जो है वो गई हुई है। बेसिकली ये पोर्शन है, इसके ऊपर भी एक और पोर्शन है, और उसकी छत के ऊपर ये सिस्टम आया है। तो ये है रिज़ल्ट इस प्रोजेक्ट का, और आप इसका जो फ्लो चेक कर रहे हैं ये मैंने आपको ऐप के थ्रू दिखाया है कि ऐप इसकी किस तरह की है। ऐप का ये फर्स्ट व्यू आपके सामने आ रहा है।
कि इसकी जनरेशन जो है वो 3000 वाट के करीब आ रही है, बैटरी की चार्जिंग स्टेटस आपके सामने आ रहा है, और पूरा ओवरऑल जो पूरे दिन में जनरेशन हुई है वो आपके सामने आ रही है कि 4.6 4.9 किलो वाट तक की भी जनरेशन जो है वो इनकी गई हुई है। तो 4.8 और 4.9 किलो वाट भी टच हुआ है, और ये तभी टच होता है जब क्लाउड इम्पैक्ट होता है। मतलब ये कि आपके पैनल्स लगे हुए हैं, अचानक उस पर शेडो आ जाता है और फिर दोबारा जैसे ही वो शेडो हटता है तो 100% रिजल्ट आ रहा होता है। इवेंचुअली ये क्लाउड इम्पैक्ट के अलावा भी इसका रिजल्ट जो है वो 4.5 किलो वाट रहा है। मैंने इसकी रैंडम टाइम पे, क्योंकि हम इसकी सेटिंग ऑनलाइन कर रहे थे तो काफ़ी देर तक इसको हमने ऐप के थ्रू भी मॉनिटर किया है और लैपटॉप के ऊपर भी मॉनिटरिंग की है इसकी, तो आपको प्रॉपर एक ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये कि हम आपको पूरा इसका एक ओवरव्यू दे दें, क्योंकि बार बार वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं होती। इसलिए मैं आपको रिज़ल्ट जो है वो थ्रू लॉगर के ऐप के थ्रू दिखा रहा हूँ कि इनका पीक आवर्स में इनको क्या चीज़ें मिली हैं, इनके MPPTs से क्या वोल्टेज मैक्सिमम इनके पास आ रहे हैं, और टोटल जो है वो इन्होंने जनरेशन कितनी की है दिन के अंदर। तो ये हमारा वेरी नेक्स्ट डे जब हम इसका रिज़ल्ट चेक कर रहे थे उस वक्त की ये सारी वीडियोस हमने इसकी जो है वो ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है मोबाइल के अंदर। इसमें दोनों MPPTs में आप देख सकते हैं कि MPPT 1 में 209 वोल्ट आ रहे हैं, MPPT 2 में 161 वोल्ट आ रहे हैं, और दोनों MPPTs से जो है वो जनरेशन आ रही है। एक में 1800 वाट आ रहे थे और एक में 2000 वाट के करीब आ रहे थे। इसी तरह से अभी हमने आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिखा दें कि लैपटॉप की स्क्रीन के फ्रेंड्स ये हम आपको दिखा दें चलेंगे। इस वक्त हमारा जो सोलिस का इन्वर्टर ऑनलाइन हम आपको शो कर रहे हैं, तो ये 4.53 किलो वाट जनरेशन दे रहा है, और इस वक्त टाइम है तकरीबन 11:45 सुबह का टाइम है आपका जब ये सिस्टम हम चेक कर रहे हैं। सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, 4.5 4.6 इवेंचुअली 4.9 तक भी इसने टच किया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। परफॉर्मेंस वाइज इसमें 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं, एक स्टिंग में 4 पैनल हैं और एक स्टिंग में 5 पैनल्स हमने इसमें अटैच किए। आपको बाकी की स्टिंग वैल्यूज़ भी चेक करवाते हैं। सो फ्रेंड्स ये इसका ऑनलाइन स्टेटस है, आपके सामने चार्ट आ रहा है तो मैं थ्रू मोबाइल ऐप के भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयरिंग की जाए कि इस वक्त क्या रिज़ल्ट आ रहा है और चार्ट किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसकी सारी सेटिंग्स जो है वो हम चेक करते हैं, फिर आपको जो दिखाने वाली चीज़ें दिखाते हैं। इवेंचुअली जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा था कि हम वाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यू ब्रांड्स, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ दिस इज़ द परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं कि MPPT 1 में हमारे पास 203 वोल्ट आ रहे हैं, 12.3 एम्पेयर आ रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ परफॉर्मिंग ऑन इट्स पीक। तो 2500 वाट हमें मिल रहे हैं 203 वोल्ट से, और MPPT 2 जिसमें सिर्फ हमने 4 सोलर पैनल कनेक्ट किए हुए हैं तो 2000 वाट आ रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि योर 4 सोलर पैनल्स 585 वाट जिनको एंटी बायोफेशल्स आर प्रोवाइडिंग यू 100% रिजल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 12.4 एम्पेयर ये आपके सामने का रिज़ल्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं, और यही वैल्यूज़ हम लेना चाह रहे थे कि दूसरे प्रोडक्ट्स को भी लगा के चेक किया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं, और एज अ इंस्टॉलर मेरी कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ जो है वो डिग आउट करके आपके लिए लेके आऊँ। तो इस वक्त ये 100% परफॉर्मेंस आ रही है इन्वर्टर्स की, 5 पैनल हमें 2500 वाट दे रहे हैं और हमारे 2-4 पैनल्स जो हैं वो 2000 वाट दे रहे हैं। तो इस ये सबसे जो है ना वो आपका बेहतरीन रिज़ल्ट मैं कह सकता हूँ कि आज तक जो हमें मिला है कम से कम पैनल से, क्योंकि हम ज़्यादा पैनल्स की स्टिंग बनाते हैं ताकि करंट का फ्लो अच्छा बने। तो अगर आपके पास वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है सो यू कैन गेट दीज आइडियल रिजल्ट्स, और ये सोलिस के इन्वर्टर के ऊपर ये रिज़ल्ट जो है वो पॉसिबल हुआ है हमारे पास जो हम आपके सामने शो कर रहे हैं।